कराएं और लोगों को कहें कि आप अदालत पे आओ। सो पंजाब हुकूमत की दरखास्त पे वजारत दाखला ने, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो पुलिस ही होगी, उनका काम है, और ये 26 मार्च की खिफत मटाने जा रहे हैं। कौम देख लेके इनके साथ कितने लोग हैं 26 को। और अगर मौसम ठीक हुआ, मैं तो गिलगित स्काउट्स का एनुअल फंक्शन है, अगर कल मौसम ठीक हुआ, वरना 26 को शायद मैं फिर आपको जहमत दूं। और ये अपोजिशन इमरान खान के लिए अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा मैं इमरान खान का वजीर हूं, ये उसकी बेहतरी के रास्ते बनाती है। और अब ये जो फैसला कि लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है या लाड़खाने का सिलेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा, मुझे तो फजल रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। वो एक दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना, और कभी पांव जमीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि लाहौर में 12 से 14% कोरोना हो चुका है, और ये मैं पिछली प्रेस का इनकी वजह से नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता था कि ये लाहौर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अपने ही घर में पावर ऑफ शो कर रहे हैं। यानी दुनिया की सियासत में ऐसा कभी नहीं सुना कि अदालतों पे यलगार की जाए। जी अदालतों पे पिछली दफा भी आप मीडिया ने सारे डालों में वो दिखाए, क्या थे, तोड़े, तोड़े ठीक लफज है, पत्थरों से भरे हुए। पंजाब का अमन व अमान उनका मसला है, उन्होंने हमसे रेंजर्स की रिक्वेस्ट की, हमने वो मंजूरी आज दे दी। और मैं अवाम से अपील करना चाहता हूं, जो जेन्युइन सियासतदान होता है वो अवाम की ढाल होता है, अवाम को ढाल नहीं बनाता, वो अवाम के लिए छाती तानता है और अवाम के लिए वो कुर्बानी देता है। बाहर से बैठ के काल देने के लिए इमाम खमीनी होना जरूरी है, वो आप नहीं है, ना आप मौजे तंग है, ना आप कोई कार्ल मार्क्स हैं, ना आप कोई हो ची मिन्ह है, आप इस सारी कौम को समेत मेरे बेवकूफ बना के बाहर गए। बड़ा सियासतदान वही होता है जिसका जर्फ बड़ा होता है, वो मुल्क में जीता है और मुल्क में मरता है। और 26 तारीख ये सारी कौम देख लीजिएगी कि ये अपने खाड़े में ही दंगल करने जा रहे हैं। और क्योंकि ये सूबाई मसला है, अगर ये इस्लामाबाद आते तो हमारा मसला होता है। इस पर मैं ज्यादा, मेरी पंजाब की गवर्नमेंट से बातचीत हुई है राजा साहब से 2 दफा, 2 खास बातें कहना चाहता हूं, उसके बाद सवाल। नंबर 1, कौम याद रखे कि इस्लामाबाद, पिशावर, कराची और लाहौर रेड अलर्ट भी है। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि गरीब की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी शेख रशीद की कीमती है। और इन्होंने कोई कॉल नहीं दी, रोज शहबाज शरीफ तारीखों पे जाता है, रोज हमजा तारीखों पे जाता है। ये अपनी शो ऑफ पावर इमरान खान को नहीं दिखा रहे, ये पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। और ये जो मर्जी कर ले पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में जो मैं सियासी वर्कर की ऐसे समझता हूं, इस्तीफे नहीं देगी। करना इन्होंने लॉन्ग मार्च ही है जिसकी रिहर्सल 26 को करके देख लें।